हेलो एविएशन लवर्स, दोस्तों कैसे हो आप सब गाइस। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एविएशन लाइफ में। दोस्तों फाइनली विस्तारा एयरलाइंस ने लॉन्च कर दिया है लेटेस्ट वैकेंसी टू बिकम ग्राउंड स्टाफ। जी हाँ, अगर आपको बनना है ग्राउंड स्टाफ तो गाइस ये जॉब अपडेट आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले बता दूं कि ये जॉब एब्सोल्युटली उनके लिए है जो फ्रेशर्स हैं, जिनको एयरलाइंस इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है। और सबसे मजेदार चीज ये है कि विस्तारा एयरलाइंस ज्वाइन करने पर किसी भी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी डिप्लोमा एविएशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत है। आप डायरेक्टली ये इंटरव्यू देकर नौकरी पा सकते हैं। नेक्स्ट चीज, इसमें जो ट्रेनिंग कंडक्ट होता है दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट होता है। तो अगर आपने ये इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो विस्तारा एयरलाइंस आपको देगी ऑफर लेटर, जिसमें आपको वो बुलाएगी अपने अकेडमी, जहां पर आपको फ्री में ट्रेनिंग देगी। 15 से 20 दिन या 15 से 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद फ्री की ट्रेनिंग करने के बाद आप वापस आ जाओगे अपने बेस और ज्वाइनिंग कर लोगे। नेक्स्ट चीज दोस्तों, विस्तारा एयरलाइंस एक बहुत अच्छी एयरलाइंस है, जिसमें अभी आप ज्वाइन कर सकते हो एज अ ग्राउंड स्टाफ, और फ्यूचर में आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग लेकर विस्तारा एयरलाइंस में ही इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू कैबिन क्रू बन सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए, दूसरी मेल के लिए जिनको कैबिन क्रू बनना है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तीसरी, विस्तारा एयरलाइंस में जो तनख्वाह मिलेगी आपको मिल जाएगी 25 से 26 हज़ार के बीच में, तो बहुत अच्छी सैलरी है वो। नेक्स्ट, अलग अलग एयरलाइंस में दोस्तों, सॉरी, अलग अलग बेसिस में वैकेंसी आई हुई है। डिस्कस करते हैं कहाँ किस किस लोकेशन में वैकेंसी आई है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। बिल्कुल डिटेल एनालिसिस लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं लगातार आप लोग के लेकर आता हूँ न्यू जॉब अपडेट टू ज्वाइन एयरलाइंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट चीज बता दूं दोस्तों, इस एयरलाइंस इंडस्ट्री में मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। तो अगर आप मेल फीमेल हो तो अपना करियर आप आसानी से बना सकते हो। और दूसरी चीज ये कि विस्तारा एयरलाइंस एक बहुत अच्छी एयरलाइंस है, इन द सेंस इसमें वर्कलोड बड़ा कम रहता है, तो आपको दोस्तों काम कम तनख्वाह ज्यादा ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है भाई, डिस्कस दोस्तों देख सकते हैं, ये है विस्तारा एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट, जैसे कितना बड़ा एयरक्राफ्ट है। आप भी फ्यूचर में इसी एयरलाइंस में हो सकता है काम करें, हो सकता है कि फ्यूचर में इसी एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम करें। दोस्तों एयरलाइंस इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत ही लाइविश इंडस्ट्री है। एक बार सेलेक्ट होने के बाद आप बहुत ही हायर पोजिशन में जा सकते हो। शुरुआत में आप जूनियर रहोगे वो तो बात है, लेकिन विद द टाइम फ्यूचर अगर आप कंसिस्टेंटली इसी कंपनी में काम करते हो तो दोस्तों फ्यूचर में आप इसी एयरलाइंस में जाके और भी ज्यादा हायर पोजिशन में जा सकते हो, जहाँ तनख्वाह आपकी 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ भी हो सकती है। बस जुनून और पैशन होना चाहिए गाइस। ठीक है, ओके, डिस्कस करते हैं इंटरव्यू कब कंडक्ट होने, कहाँ पे कंडक्ट हो। दोस्तों देख सकते हैं ये है विस्तारा एयरलाइंस का ऑफिशियल पेज जहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है भाई, विस्तारा एयरलाइंस का ऑफिशियल पेज जहाँ पे वैकेंसी है, दोस्तों देख सकते हैं ये विस्तारा एयरलाइंस का ऑफिशियल पेज। दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले बता दूं कि भाई सीट्स आर गेटिंग फुल टू ज्वाइन 1 अप्रैल क्रैश कोर्स। लॉट ऑफ पीपल जिनको एयरलाइंस इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, जिनको घर बैठे बैठे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ग्राउंड स्टाफ बनना है, कैबिन क्रू बनना है और अपना करियर बनाना चाहते हो एयरलाइंस इंडस्ट्री में, दोस्तों तो लास्ट फ्यू सीट्स आर लेफ्ट टू ज्वाइन 1 अप्रैल क्रैश कोर्स। दोस्तों मेरा नाम आशीष कुमार साहू है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एविएशन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों अब तक हमारी क्लासेस की हेल्प से वी हैव गिवन मोर देन 500+ सिलेक्शन इन एयरलाइंस इंडस्ट्री एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ कैबिन क्रू। दोस्तों मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस मैंने खुद ने मल्टीपल एयरलाइंस में काम किया हुआ है, प्लस मैंने मल्टीपल एयरलाइंस के इंटरव्यू क्रैक किए हुए हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, चाहिए गाइडेंस, डायरेक्शन, आप क्लासेस घर बैठे बैठे ले सकते हो गूगल मीट की हेल्प से, क्योंकि आज जो है जमाना बदल चुका है। ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल पैसा वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, आने जाने में टाइम वेस्ट अलग होता है, गाड़ी का तेल पेट्रोल अलग जलता है, प्लस वहां जाओगे तो कोई क्वालिटी आपको देगा नहीं। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मैं 30 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ पर मंथ, और हमारी क्लासेस की हेल्प से आप घर बैठे बैठे इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी के जो इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं वो ऑनलाइन ही कंडक्ट हो रहे हैं, तो तैयारी आपको ऑनलाइन मोड में करनी पड़ेगी। प्लस मैं जो सिखा रहा हूँ दुनिया में कोई नहीं सिखा रहा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों हमारी क्लास में मिलेगा फ्री CV सर्टिफिकेशन, 1 मंथ की लाइव क्लासेस, प्लस मिलेगा लाइफ टाइम का रिकॉर्ड लेक्चर अगर आप आज एनरोल करते हो, प्लस आपको मिलेगा 15 स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में एड ऑन मिलेगा, उसमें एड ऑन मिलेगा एक्स्ट्रा, प्लस मॉक इंटरव्यू, PDF नोट्स, रिकॉर्ड लेक्चर और लाइफ टाइम रेफरेंस मिलेगा, ताकि आपको इंटरव्यू में क्रैक करने में आसानी हो। और अगर आप अभी इनरोल करना चाहते हो फटाफट से मैसेज भेजिए 7999504, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप 2 कोर्स ज्वाइन करोगे दोस्तों आपको मिल जाएगा थोड़ा सा डिस्काउंट फ्रॉम माई साइड, और दोस्तों वेरी फ्यू सीट्स आर लेफ्ट, फटाफट से मैसेज भेजिए सच में इंटरेस्टेड है और इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं। तो क्रैश कोर्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगी जॉब की लिंक, और फिर से शेयर कर दूंगा मैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं एयरलाइंस का ऑफिशियल पेज जहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो हमने करना क्या, हमने यहाँ पे आके ग्राउंड सर्विस एंड सिक्योरिटी पोस्ट में क्लिक मारना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो देख सकते हैं न्यू जो वैकेंसी आ गई है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान देना है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव
और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के बारे में, क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए है। अगर हाँ आपका एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं कि एयरलाइंस का एक्सपीरियंस, अगर आपको किसी और चीज़ का भी एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपने किसी रेस्टोरेंट में काम किया है, किसी मॉल में काम किया हुआ है, या किसी और जगह पे काम किया है एज अ इन हायर पोजिशन, तो दोस्तों आप सीधे सुपरवाइजर के लिए भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ओके, डिस्कस करते हैं वैकेंसी कहाँ कहाँ के लिए आई हुई, ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाए और मैं आपको डिटेल एनालिसिस दे पाऊँ। पेन निकाल लेते हैं दोस्तों फटाफट से, राइट। ओके, तो ये जो वैकेंसी आई दोस्तों, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, फॉर पुणे बेस्ड। मतलब नौकरी कहाँ पे होगी दोस्तों, आपको नौकरी जो करोगे आप पुणे में रहकर नौकरी करोगे, ठीक है। सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई है फॉर पुणे बेस्ड। ओके, नेक्स्ट जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की फॉर हैदराबाद बेस। मतलब नौकरी कहाँ पे करोगे आप, हैदराबाद में रहकर करोगे, ठीक है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हैदराबाद, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पुणे। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई हुई है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव अहमदाबाद। मतलब नौकरी कहाँ पे करोगे, अहमदाबाद में रहकर करोगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट गोवा मोपा। अब बहुत से लोग बोलते हैं मुझे एयर टिकटिंग डिपार्टमेंट में काम करना है, हमें तो एयर टिकटिंग में काम। दोस्तों गाइस, एयर टिकटिंग जो रहता है वो आता है आपका क्या बोलते हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में, ठीक है भाई, समझ में आ गया। हाँ, दो डिपार्टमेंट बेसिकली वैकेंसी आई है यहाँ पे, कस्टमर सर्विस और सिक्योरिटी। कस्टमर सर्विस का काम रहता है टिकटिंग करना, रिजर्वेशन काउंटर में बैठना, पैसेंजर के डाउट्स क्लियर करना, उनकी हेल्प करना, उनकी क्वेरीज क्लियर करना। सिक्योरिटी का काम दोस्तों बेसिकली एयरपोर्ट के बाहर का रहता है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट का डिपार्चर करवाना, एयरक्राफ्ट का दोस्तों L1 पोजीशन में काम करना, L2 पोजीशन में काम करना, एयरलाइंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो दोस्तों ये बहुत प्रोफेशनल हाईली स्किल्ड जॉब है, जिसके लिए ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जो कि दोस्तों विजिलेंट हो, तेज हो, दिमाग से चंट हो, चालाक हो, तो गो फॉर द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। और हाँ, थोड़े से भोले भाले हो तो गाइज गो फॉर दिस कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट सिक्योरिटी की वैकेंसी आई फॉर मुंबई बेस्ड। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है एग्जीक्यूटिव की फॉर मुंबई बेस्ड, दो मुंबई के लिए जा रही है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की हायरिंग हो रही है फॉर देहरादून। नेक्स्ट जो हायरिंग हो रही है कस्टमर सर्विस सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की हायरिंग हो रही है फॉर दिल्ली, दिल्ली भी हायरिंग हो रही है। नेक्स्ट जो हायरिंग हो रही है दोस्तों वो हो रही है कोची, ठीक है। नेक्स्ट जो हायरिंग हो रही है दोस्तों फॉर दिल्ली। तो गाइज लॉट ऑफ एयरलाइंस, राइट, लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन की हायरिंग हो रही है ये, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग कैसे करना है। ओके, जैसे आप नीचे आएंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे और अलग अलग जगह की हायरिंग, जैसे कि बैंगलोर हो गया, ठीक है, रायपुर हो गया, अमृतसर हो गया, ठीक है, तो अलग अलग जगह के लिए दोस्तों हायरिंग हो रही है। तो आगे सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी, जयपुर के लिए हायरिंग हो रही है, गुवाहाटी के लिए हायरिंग हो रही है, एंड कोयम्बतूर, एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो मैं किसी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव वाली जॉब पोजिशन को ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हैदराबाद वाले को ले लेते हैं। तो देखिए, तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, साफ साफ दिया हुआ है मिनिमम 2 to 4 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। तो भाई जरूरी नहीं है 2 to 4 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस हो, मैंने खुद ने बिस्तर एयरलाइंस का इंटरव्यू क्रैक किया, इवन तो मैं बस आज भी ऑफर लेटर, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो विस्तार एयरलाइंस में शुरुआत से ऐसे ही होता है, ये लोग लिखा रहता है, भले यहाँ पे लिखा है मिनिमम 2 to 4 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इवन दो फिर फ्रेशर, इफ यू अप्लाई फॉर जॉब, योर सीवी गॉट शॉर्टलिस्टेड, दे विल बी कॉलिंग यू फॉर द इंटरव्यू, ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोग के सारी की सारी चीजें। हाँ, इसमें चीज है कि ग्रेजुएशन मस्ट होना चाहिए, 12th पास एलिजिबल नहीं है, ठीक है, समझ में आया। करना है कि आप लोग को यहाँ पे अप्लाई नाउ में क्लिक मारना, जैसे अप्लाई नाउ में क्लिक मार देंगे तो इनका अलग से पेज खुल जाएगा दोस्तों। आपको करना क्या है, ऑनलाइन आपको दोस्तों इनके फॉर्म फिलअप करना है, वीडियो भी कर दीजिए फटाफट से 100 लाइक्स, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द हाउ टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन, अभी तक नहीं आया इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज ऐसे आप अप्लाई कर दोगे, और जैसे ही अप्लाई करोगे आपकी सीवी और इन्फॉर्मेशन चले जाएगी उनके पास, और वो आपको बुला लेंगे इंटरव्यू देने के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है यहाँ पे मुंबई के लिए डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, हमारे बहुत, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मुंबई बेस में काम कर रहे हैं, दे ऑलरेडी वर्किंग इन दिल्ली बेस, दे आर वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस, इवन दो आई हैव वर्क इन एयरलाइंस, तो मुझे पता है ना कि इस एयरलाइंस में हायरिंग कैसी होती है, मुझे पता है कि एंट्री कैसे लेनी है। आप लोग करते क्या, फॉर्म ही नहीं भरते, तो भाई फॉर्म नहीं भरते बुलाएगा कौन आप लोग को इंटरव्यू देने और लेने के लिए, ठीक है भाई। कई बार होता क्या है कि सीनियर लोग आते नहीं है, ज्वाइन नहीं करते, कम तनख्वाह देते हैं घर, उनको तनख्वाह कम लगती है, तो भाई कोई ना कोई तो एयरलाइंस में काम करेगा ही करेगा, है ना। एयरलाइंस में काम नहीं करेगा तो उससे बात कैसे बनेगी। प्यास लग गई यार, पानी पी लेता हूँ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, एफसेक अगर है तो है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सब चीज टेंशन मत दीजिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, काम खत्म, ये फॉर्म भरिए एंड डू रजिस्टर फॉर दैट थिंग, एंड दे विल बी डेफिनेटली गिविंग अ कॉल अगर आपकी सीवी अच्छी सी होगी तो। दोस्तों यही मेरा काम है प्रोफेशनली, मैं स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली पढ़ाता हूँ, ताकि आप घर बैठे बैठे इंटरव्यू क्रैक कर पाए, राइट। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से लोग कैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, गूगल मीट की जमाना बदल गया है, ऑफलाइन क्लासेस को लात मारिए, बताइए कि भाई ज्वाइन नहीं करना है बिल्कुल, उसमें फीस ज्यादा चार्ज करते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए, ऊपर से डिप्लोमा कोर्स से पैसा वेस्ट है, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। 15 दिन की लाइव क्लासेस है, प्लस उसमें स्पोकन एड ऑन है, 1 मंथ की रोल क्लासेस है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी विद इन 10 से 15 दिन के अंदर इंटरव्यू क्रैक करवा दूं,
देख सकते हैं स्टूडेंट्स ऑलरेडी वर्किंग, अंशु काम कर रही है इंडिगो एयर इंडिया में, प्रिया काम कर रही है इंडिगो एयरलाइंस में, जयदीप काम कर रहा है इंडिगो एयरलाइंस में, रघु ऋषि काम, अरे बहुत सारे सिलेक्शन है यार। आप बोलोगे बार बार उसी वीडियो को दिखा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आके देख सकते हैं, कल ही की बात है, एक दो स्टूडेंट और सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुई एमरेट्स कैटरिंग सर्विसेज में, उसका वीडियो आएगा। नेक्स्ट स्टार एयरलाइंस में सेलेक्ट हुए हैं, राइट, कहाँ गया वो वीडियो, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको ऐसा था कि बार बार उसी वीडियो को दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये रिसेंटली सेलेक्ट हुआ स्पाइसजेट एयरलाइंस में एज अ कैबिन क्रू, ठीक है। रिसेंटली ये कोलकाता बेस्ड ग्राउंड स्टाफ, तो राइट, ऐसा नहीं कि भाई वो वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ऊपर रहते हैं, ठीक है। और ही बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं दोस्तों, हिसाब किताब नहीं है भाई, समझ में आ रहा है कि आप लोग इतने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। आज एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कल दोस्तों फिर वो वीडियो जाएगी स्टार एयर वाली, उसके बाद फिर और वीडियो आएगी, क्या बोलते हैं, क्या एमरेट्स केटरिंग सर्विसेज वाली। तो लगातार वी आर गिविंग सिलेक्शन। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है, ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हो, कैबिन क्रू बनना, तो थोड़ी तैयारी तो चाहिए होगी यार, बिना तैयारी के आगे नहीं बढ़ पाओगे। कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, सही तरीका सही स्ट्रेटेजी वही बता सकता है जो इस रास्ते से गुजर चुका हो, ठीक है। अगर मुझे पता है ना कि आपसे गलती कहाँ पे होगी, मुझे पता है कि कहाँ पे आप गलती करोगे, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन क्यों रुकेगा, मैं आपको उस सांचे में फिट करूंगा अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हो तो। क्योंकि मैंने खुद एयरलाइंस में काम किया है, मुझे पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे पता है कि आपका सिलेक्शन कैसे करवाना है। आई एम एन एक्स एयरलाइंस एम्प्लॉय एंड आई नो कि हाउ टू मेक यू गाइस गेट सिलेक्टेड, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो प्रेस सिलेक्शन लेना चाहते हो टीना की तरह, शी इज वर्किंग इन एयर इंडिया एज अ कैबिन क्रू, आप भी घर बैठे बैठे कैबिन क्रू बन सकते हो। तैयारी करनी है और जाना है इंटरव्यू देने के लिए, कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं करना, कोई डॉल्फिन टेल्फिन अल्फा बीटा गामा डेल्टा एविएशन कहीं ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैसेज भेजिए व्हाट्सएप नंबर में, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, माय टीम विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद यू, डिस्काउंट इज गेटिंग ओवर, बी क्विक ज्वाइन फास्ट। तब तक गाइस बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते गाइस, जय हिंद टू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो विल बी ऑन स्पाइसजेट एयरलाइंस कैबिन क्रू इंटरव्यू।